Hi friends, welcome to Ananda E-Learning. This previous video अच्छे section की विशेषता है part 1 के next part 2 है. इसमें 9th point अच्छा section शिक्षक के अनुभवों को मान्यता देता है. 8th point क्या है? Good teaching recognize child's experience. Here teacher's experiences. What is this here? You people are confused, no? Yes, I know. शिक्षण अच्छा तभी समझा जा जाता है जब शिक्षक अपने पूर्व अनुभवों को मान्यता देकर उनसे लाभ उठाता है. शिक्षण के समय वह बालकों के संपर्क में आता है, विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है और विभिन्न परिणामों पर पहुंचाता है. अपने अगले शिक्षण में वह इन अनुभवों से लाभ उठाता है, अपनी पिछली त्रुटियों को सुधारता है और परिणामों को अधिक प्रभावपूर्ण बनाता है. परिमाणतः उसके शिक्षण में दिन प्रतिदिन सुधार होता चला जाता है. नंबर वन पॉइंट, एज ए गुड टीचर यू वांट गुड टीचिंग. ये गुड टीचिंग में यू शुड बी रिकॉग्नाइज चाइल्ड्स एक्सपीरियंस, क्योंकि चाइल्ड एक्सपीरियंसेस प्रीवियस में क्या होता है उसी को हमने मन में रख कर वी कैन प्लान एज यूजुअल, न्यू प्लान वी कैन मेक. देन 9th पॉइंट में आवर एक्सपीरियंस वी हैव टू बी रिवाइंड, क्योंकि प्रीवियस क्लास में जब हम टीचिंग करता है, टीचिंग करते ही समय कौन सी त्रुटियां है, कैसा हमने टीचिंग करते ही समय डिफ़िकल्टीज फेस किया है हमको पता लगता है. व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग, व्हेन यू आर रिमाइंडिंग योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस व्हाइल यू आर टीचिंग, जब तुमने प्रीवियस तुम्हारा एक्सपीरियंसेस को प्रायोरिटी देता है, उसी से नेक्स्ट क्लास में कैसा टीच करने से सफल हो सकता है इसका ज्ञान आपको मिल सकता है. कब मिल सकता है? अपने अनुभवों को मान्यता देने से. पहले बच्चों के अनुभवों को मान्यता देना है, दूसरे नेक्स्ट हमारे अनुभवों को भी मान्यता देना है. ओके, नेक्स्ट 10 पॉइंट क्या है? अच्छा शिक्षण प्रगतिशील होता है. प्रगतिशील माने प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव का अर्थ यही है कि शिक्षण अच्छा तभी समझा जाता है जब बालक की मनोवृत्तियाँ, रुचियों, विचार कुशलताओं, योग्यताओं, ज्ञान के अर्जन और विचार तथा कार्य की आदतों के विकास में उचित सामाजिक लक्ष्यों के ओर प्रगति होती है. इसका अर्थ यही है कि बालक की प्रगति के साथ साथ शिक्षण की प्रगति भी आवश्यक है. बालक की प्रगति के साथ साथ शिक्षण की प्रगति भी आवश्यक है, क्योंकि जब हम टीचिंग करता है उसी समय जस्ट यू डोंट थिंक फॉर स्टूडेंट प्रोग्रेस ओनली, यू शुड थिंक अबाउट यूअर टीचिंग ऑल्सो. यदि मेरा टीचिंग प्रोग्रेसिव है या नहीं हमने देखना है. जस्ट यू आर थिंकिंग ओके माई स्टूडेंट वॉन्ट टू गेट 100/100, ऐसा तुम सोच कर कक्षा में जाकर हमने सोचने से, टीच करने से मार्क्स नहीं होता है. हमारे टीचिंग में भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग, प्रोग्रेसिव ज़्यादा होने के लिए प्लान्स बनाना है, टीचिंग वेज शिक्षण विधियों की उपयोगिता करना है, निरंतर चेंजेस परिवर्तन करना है. क्योंकि जब हम टीचिंग करते ही समय कक्षा में एक ही क्वालिटीज़, एक ही थिंकिंग रहने वाले बच्चों हमारे कक्षा में नहीं होता है. इसी को हम मन में रख कर टीचिंग करना है, टीचिंग में प्रगति लाना है. क्योंकि विदाउट इम्प्रूवमेंट ऑफ योर टीचिंग ऑफ नेक्स्ट क्लास योर टीचिंग नॉट टू बी गोइंग वेरी प्रोग्रेसिव. ओके, नेक्स्ट यह क्यों कहता है? अपनी शिक्षण विधियों में निरंतर प्रगति करते रहना चाहिए.
क्या करना है, अपनी शिक्षण विधियों में निरंतर प्रगति करते ही रहना चाहिए। इस प्रकार शिक्षण प्रगतिशील तभी कहा जाता है जब बालक और शिक्षण दोनों प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं, अपनी शिक्षण विधियों में निरंतर प्रगति करते रहते ही समय ही यह हो सकता है। ओके, दोनों प्रगति में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। चलिए 11th पॉइंट क्या है, अच्छा शिक्षण कठिनाइयों का निदान करता है। नाउ यू शुड बी डायग्नोसिस डिफिकल्टीज एज ए गुड टीचिंग। इम्प्लीमेंट करने के लिए डायग्नोसिस करना है डिफिकल्टीज को। ओके, अच्छे शिक्षण क्या करता है, कठिनाइयों का निदान करता है। अच्छे शिक्षण में बालक के कठिनाइयों के निदान का स्थान अति महत्वपूर्ण है। कठिनाइयों का निदान जब हम टीचिंग करते हैं उसी समय स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज को हम डायग्नोसिस करने से ज़्यादा लाभ है, वो तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह किसी बात को सीखने में रुचि क्यों नहीं लेता है, वह सीखने में त्रुटियां क्यों करता है, वह दूसरों की अपेक्षा देर में क्यों सीखता है। अच्छा शिक्षक इन और इसी प्रकार के अन्य कठिनाइयों के कारणों को जानने का सफल प्रयास करता है। एज ए गुड टीचर यू शुड बी इम्प्लीमेंट गुड टीचिंग व्हेन यू आर टीचिंग एट द टाइम डायग्नोसिस करना है, बच्चों के डिफिकल्टीज को डायग्नोसिस करना है। वो क्या है, नंबर वन पॉइंट, वह किसी बात को सीखने में रुचि क्यों नहीं लेता है, किसी बात को सीखने में रुचि क्यों नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सीखने में त्रुटियां क्यों करता है। थर्ड पॉइंट, वह दूसरों की अपेक्षा देर में क्यों सीखता है। ऐसा ही डायग्नोसिस करने से, क्वेश्चंस हम राइज करने से हमको उत्तर मिलता है, क्योंकि हम साइकोलॉजी भी पढ़ा है, हमको मालूम है डायग्नोसिस कैसे करना। ओके, 12th पॉइंट, अच्छा शिक्षण उपचार पूर्ण होता है। गुड टीचिंग इज ए रेमेडियल, एज ए गुड टीचर व्हेन यू आर टीचिंग एट द टाइम यू शुड बी रेमेडियल, क्योंकि पहले ही हमने बताया है डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करना, डायग्नोसिस माने आइडेंटिफिकेशन, कुछ डिफिकल्टीज है उसी को हम आइडेंटिफाई करना है डायग्नोसिस माने। ऐसा ही तरह जब हम डायग्नोसिस करता है उसी के अंतर्गत हम ट्रीटमेंट भी करना है बच्चों को। ट्रीटमेंट माने ऐसे ही अस्पताल में जो काम करते हैं डॉक्टर, वो नहीं है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट टीचिंग करते ही समय हम यूज़ करना है। क्या है वही, तो ऐसा ही यूज़ करने से उसी को हम कह सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग। गुड टीचिंग करने वाला गुड टीचर क्या करता है, रेमेडियल टीचिंग भी यूज़ करता है, प्रीवियस डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करके उन्होंने रेमेडियल टीचिंग करता है। उसी समय बच्चों के शिक्षण में शिक्षा लेते ही समय उन्होंने सफल हो सकते हैं। ओके, अच्छे शिक्षण में बालकों के वैयक्तिक और सामूहिक कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास किया जाता है। ऐसे ही तरफ कठिनाइयाँ ऐसी होती है जिनको शिक्षण स्वयं सरलता से दूर कर देता है, पर कुछ ऐसी ही होता है जिनको दूर करने के लिए उसे विशेषज्ञ की सहायता लेनी पड़ती है, विशेषज्ञ की एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए। ओके, व्हेन स्टूडेंट्स वांट टू बी लर्न समथिंग, जब बच्चों ने सीखना है कठिनाइयों की तरफ हुए विषयों को सीखते ही समय एक्सपर्ट की सहायता चाहिए। क्लासरूम में हु इज एक्सपर्ट, नॉट क्लास लीडर, नॉट ए क्लास लीडर, टीचर इज ए एक्सपर्ट। इसीलिए बच्चों ने आकर हमें प्रश्न पूछते हैं, और ऐसा ही तरफ हमने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए, इसीलिए हम एक्सपर्ट होना
यदि हम एक्सपर्ट नहीं हो तो हमारे क्लासरूम में हमारे लिए जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, आई एम ए टीचर, यू शुड गिव रेस्पेक्ट लाइक व्हाट वी आर थिंकिंग, दैट नॉट बी हैपन व्हेन यू आर नॉट इन ए एक्सपर्ट इन योर सब्जेक्ट। ओके, 13 पॉइंट क्या है? चलिए 13 पॉइंट में, अच्छा शिक्षण आत्मविश्वास उत्पन्न करता है, गुड टीचर टीचिंग करते ही समय सेल्फ कॉन्फिडेंस को उत्पन्न करता है। क्यों? ये इसका उद्देश्य है कि बालक में आत्मविश्वास का विकास करना है, जिससे कि वह स्वतंत्र चिंतन कर सके और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। यदि शिक्षण बालक में आत्मविश्वास का विकास नहीं करता है तो संतुलित ज्ञान का संचय करने के बाद भी उसमें मौलिक और साहसी कार्यों को करने की क्षमता नहीं होता है। ऐसी ही दशा में उसका कठोर परिश्रम से अर्जित ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। ये बात क्यों कहा गया है? क्योंकि व्हेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीचिंग में सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होने से क्या होता, हाउ मच यू आर प्रिपेयरिंग योर लेसन्स, हाउ मच यू आर प्लानिंग एज यूजिंग ऑफ टीचिंग मेथड्स, वाट एवर इट मे बी, यू आर गोइंग टू बी वेरी सफरिंग इन क्लासरूम। बिकॉज क्योंकि टीचिंग करने के लिए पहला क्या चाहिए, प्री प्लान चाहिए, विधियों की यूज़ करना है, ऐसा होता है। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होने से बच्चों को हम कैसे टीच करता है, ये तो हम ध्यान में रखना है। और टीचिंग करते ही समय हम सेल्फ कॉन्फिडेंस से टीच करना है, हम ऐसा करने से बच्चों में भी ये क्वालिटी आते हैं। सी आवर टीचर इज वेल सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ मच ही इज टीचिंग वेरी नाइस लाइक दैट, व्हेन स्टूडेंट्स आर सीइंग आवर फेसेस, उसी समय बच्चों ने सोचते हैं हम भी ऐसा करना है, हम भी ऐसा टीच करना है, हम भी ऐसा टॉपिक बताना है दूसरे लोगों को। क्योंकि कुछ बच्चों ने भी रोल मॉडल की तरफ लेते हैं हमारे टीचर्स को, वो ध्यान में रखकर आप भी टीच करते हैं समय बी कॉन्फिडेंट रहिए और ज़्यादा लाभ ले लो। क्योंकि टीचिंग करते समय कॉन्फिडेंस नहीं होने से हमारा टीचिंग इतना ही प्रैक्टिस होने पर भी नो यूज़। नेक्स्ट 14th पॉइंट, अच्छा शिक्षण ज्ञान का मूल्यांकन करता है, गुड टीचर टीचिंग करते ही समय, गुड टीचिंग करते ही समय एवेल्युएट्स नॉलेज। अच्छे शिक्षक का एक महत्वपूर्ण कार्य यही है कि बालक के ज्ञान का मूल्यांकन करना है। किसी को ज्ञान का मूल्यांकन करना है, बालक के ज्ञान का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन में जितने ही अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, शिक्षण उतना ही अधिक सफल समझा जाता है। मर्सेल ने ठीक ही लिखा है कि शिक्षण की अंतिम कसौटी परिणाम को जांचने के लिए वो प्रचलित विधि है निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, जिसकी सभी शिक्षाविदों द्वारा कठोर आलोचना की गई है। यह विधि ना हो तो बालकों के मानसिक विकास को और ना उनके विचार तथा कार्य को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि संसार के प्रगतिशील देशों में इस विधि का परित्याग करके अर्जित ज्ञान के मूल्यांकन के लिए नवीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। जेम्स एल मर्सेल ने कहा गया इन दिस हिज बुक सक्सेसफुल टीचिंग, जेम्स एल मर्सेल ने सक्सेसफुल टीचिंग बुक लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि द अल्टीमेट क्राइटेरियन फॉर सक्सेस इन टीचिंग इज रिजल्ट, फाइनली रिजल्ट इज मस्ट। ओके, अच्छा शिक्षण 15th पॉइंट, रुचियों व मूल प्रवृत्तियों का विकास करता है, एज ए गुड टीचर गुड टीचिंग करते हैं समय डेवलप्स इंटरेस्ट एंड इंसिक्स। अच्छा शिक्षण बालक की रुचियों और मूल प्रवृत्तियों का विकास करता है। क्या
विकास करता है बालक की रुचियों और मूल प्रवृत्तियों का विकास करता है। बालक में शिक्षण द्वारा जितना ही अधिक रुचियों का विकास कर दिया जाता है वह उतना ही सके कुशल एवं संतुलित जीवन व्यतीत करने में सफल होता है। इसके अतिरिक्त उसकी मूल प्रवृत्तियों को शिक्षण द्वारा इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वह उनको स्वतंत्र रूप से सामाजिकृत ढंग से व्यक्त कर सकता है। क्योंकि यू शुड बी डेवलप देयर इंटरेस्ट, क्योंकि बच्चों के इंटरेस्ट क्या होता है वो सभी हमने विकसित करना है। हम वो बच्चों ने उनका इंटरेस्ट को बताने के लिए अवकाश भी देना है। जब हम अवकाश देते हैं उसी समय ने बच्चों बता सकते हैं। ऐसे ही तरफ कक्षा में अपॉर्चुनिटी देने से उन्होंने अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, इन समाज में भी उन्होंने व्यक्त कर सकते हैं। यही तो अच्छे शिक्षण की विशेषताएँ हैं। सभी